हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक बटन दबाकर हरियाणा के हजारों पात्र लोगों को दी सौगात। सीएम सैनी ने कहा, मैं आप लोगों के बीच का रहने वाला हूं, मुझे पता है गरीब की समस्या क्या क्या है। हमारी सरकार गरीबों के हित की सरकार है। इस तरह आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के लोगों की आशंकाओं को पूरा करते हुए सौगातों का पिटारा खोलकर हरियाणा वासियों को जताया, नायब सरकार ही आने वाले समय में उनका भला कर सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि, पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले 100 गज के प्लांट के अधिकार पत्र 6,300 लोगों को अधिकार पत्र वितरित किए, साथ ही एक क्लिक से 1-1 लाख रुपए खाते में वितरित किए। और आज इस कार्यक्रम में हमने वर्चुअल भी बात किया है। मैं आज हरियाणा के विकास, आज इस राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न योजनाओं और लाभार्थियों को आज लाभ जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो आज 22 के 22 जिलों में और हमारे यहां पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि पर सभी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज प्रदेश में 75,330 आज नए हमारे पेंशन के लाभार्थी बुजुर्ग जुड़े हैं। मैं उनको सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये भी खुशी है कि आज भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2,000 लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए आज हर व्यक्ति को 80,000 रुपया जारी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाटों का कब्जा और आज 6,300 लोगों को अधिकार पत्र 1-1 लाख रुपया उनके खाते में आज डालने का भी ये अवसर मिला है, ताकि वो अपना मकान ले सके, 100 गज का प्लाट ले सके। ये सरकार की नीति और योजना थी, उसके तहत मैं सभी को आज उनके खाते में यहाँ से एक क्लिक से वहाँ पैसा पहुँचा है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है कि सभी योजनाओं से वंचित वर्गों के लिए ये सभी योजनाएं चला जा रही हैं। हमारी सरकार के सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान ये कर रही है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले गरीब तक किसी सरकारी योजना का लाभ पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। इससे वे सरकार की तरफ से वो निराश हो चुके थे। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद ही छोड़ रखी थी, अब सरकार केवल उनके पास स्वयं पहुंच करके बल्कि उनके विकास में भी भागीदारी बन रही है। ये हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार मिलकर के गरीबों के हित के लिए, उनकी मजबूती के लिए काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से पहले जो ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार में योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधा नहीं जाता था, उनके साथ बिचौलिया भी होता था, कट भी लगता था, कमीशन भी लेते थे और सिफारिश भी करवानी पड़ती थी, सिफारिश के साथ साथ चक्कर भी काटने पड़ते थे, तब जाकर के
लंबे समय के बाद योजना का लाभ उनको देखने को कहीं ना कहीं मिलता था, परंतु आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम किया है। न कोई बिचौलिया है, न कट है, न कमीशन है और न सिफारिश है, न किसी के चक्कर काटने पड़ते हैं। डायरेक्ट लाभ लाभार्थी को उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज सरकार की योजनाएं जिस तरह से गरीब वंचित पिछड़े समाज तक पहुंच रही है, इन योजनाओं से जिस तरह से इनका जीवन में बदल रहा है, यह सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी प्रभावित करता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही हूँ। मुझे मालूम है कि गरीब की समस्या क्या है और उसका निराकरण करने का काम लगातार ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस राज्य स्तरीय समारोह में 65,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की गई है, लेकिन मैं इसे सम्मान पेंशन कहना चाहूंगा, विशेषकर बुजुर्गों को जो प्रोएक्टिव मोड में सम्मान पेंशन जारी करते हुए, मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पूजनीय बुजुर्ग जो अपनी सम्मान राशि भी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर जिनको काटने पड़ते थे। मुझे आज खुशी है अब यह मासिक सम्मान राशि पाने के लिए आपको न तो दरखास्त देनी पड़ेगी, न दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे और न ही किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये इससे मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। अभी आप देख रहे हैं कि आप इस सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि आप उस योजना को मार्गदर्शन देने का काम निरंतर कर रहे हैं जिसमें वृद्धावस्था को कभी भी ऐसा है नहीं माना जाता था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है जब मैं प्रोएक्टिव की बात कर रहा हूँ। अभी आपने फतेहाबाद से भी हमारे एक बुजुर्ग की आपने कहानी को सुना है, उसको कहीं दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े और इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,32,000 ऐसे बुजुर्ग है जिनकी पेंशन स्वयं बन करके उसके घर पे चली गई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।